हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक विथ हैक्यू में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएससी द्वारा लाइव किए गए एक न्यू सर्विस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सीएससी द्वारा एक न्यू सर्विस को लाइव किया गया है डाटा एंट्री के। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको आपके सीएससी आईडी में लॉग इन हो जाना है। उसके बाद में आपको न्यूरिया लाइव में चेक कर लेना है। RCCMS की आपको एक न्यू सर्विस यहाँ पे देखने को मिल जाती है। यदि आपके उसमें ये सर्विस शो नहीं करती है तो आपको आपके सीएससी पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। इसके बाद में आप इस पर क्लिक करेंगे एंड व्यू प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। ये आपका कंप्लीट डैशबोर्ड है, आप यहीं से इस सर्विस पे काम करेंगे। हालांकि दोस्तों, अभी यह सर्विस केवल त्रिपुरा के लिए लाइव की गई है। दोस्तों, इसमें आपको किस प्रकार डाटा एंट्री करनी है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों, किसी को भी यदि राजस्व का कोई काम होता है या फिर राजस्व का कोई प्रमाण पत्र वो बनाना चाहता है एंड राजस्व से संबंधित किसी भी प्रकार की जो भी जानकारी है, आप उसकी जानकारी को यहाँ पे फिलअप करेंगे। हालांकि दोस्तों, अभी सर्विस को कंप्लीट तरीके से लाइव नहीं किया गया है, इसमें काफी सारी अपडेट होने अभी बाकी है। तो जैसे इस सर्विस को कंप्लीट तरीके से लाइव कर दिया जाता है, यानी कंप्लीट तरीके से कार्य करना शुरू हो जाता है, तो आपको हमारे चैनल पे इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो देखने को मिल जाएगी, जिसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी देंगे आपको किस प्रकार डाटा एंट्री का कार्य यहाँ पे करना है। तो दोस्तों, होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही में बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लेना। आपको हमारे चैनल पर सीएससी से इसी प्रकार की वीडियो और नए अपडेट की जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहती है।